हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत तो है ही और टॉपिक देख के आपको और ज्यादा खुशी हो रही होगी क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है फाइंडिंग ऑफ यूनिट डिजिट, जो कि अपकमिंग रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम सीखेंगे कैसे हम किसी नंबर की यूनिट डिजिट नहीं, आप इस टॉपिक को समझिए। फाइंडिंग ऑफ यूनिट डिजिट का मतलब है, कई बार आपको कुछ इक्वेशंस दे दी जाती है नंबर के टर्म्स में, मल्टीप्लिकेशन में दे दी जाती है, पावर के तौर पे दे दी जाती है और बोला जाता है इसका जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट बता दो। तो अब आपको ये लग रहा होगा ये तो बहुत आसान काम है। नहीं, मैं आपके सामने जब क्वेश्चन लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा। 7। अब यहां पर आपसे पूछा क्या गया है इस मल्टीप्लिकेशन में, व्हाट वुड बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो आपको यहां पर मल्टीप्लिकेशन दी गई है इसका जो आंसर आएगा उस सॉल्यूशन का, बस आप मुझे इकाई अंक बता दो। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक होता है, तो इकाई अंक बता दो। तो क्या करना है, देखो हमसे बोला क्या गया, बस इतना सिंपल समझो। यूनिट डिजिट ना, 7 की यूनिट डिजिट क्या है, 7। 9 की क्या है, 9। और सॉरी 779 में क्या है, 9। 8349 में क्या है, 9। 43245 में यूनिट डिजिट क्या है, 5। बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ इकाई अंक ले लो सारे अंकों का। अब इनका हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, वो भी कैसे, 7 9 63, लेकिन इसका भी क्या लोगे, 3। 3 9 27, इसका भी क्या ले लोगे, 7। सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है। 7 5 35, तो 5। तो आपका आंसर क्या हो गया, 5। हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है यूनिट डिजिट्स का और सिर्फ उसमें भी हम लेते चले गए यूनिट डिजिट। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सेवन नाइन थ्री एट टू फोर थ्री ट्रिपल सिक्स, अब यहां पर आपको निकालना है। तो आप देखिए 7 8, आप लोग खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करो। 7 8 56 का 6, 6 3 18 का 8, 8 6 48 का 8। तो आपका आंसर क्या हो गया, 8। यहां पर किया क्या है मैंने, यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट, मतलब हमें काम किससे था, सिर्फ 7 8 3 6, लेकिन उसमें भी 7 8 56 का 6, 6 3 18 का 8, 8 6 48 का 8। आपका आंसर सामने आपके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आसान है याद करने में, आपको पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा। और इसमें भी कई टाइप्स होते हैं यूनिट डिजिट के, कई बार आपसे एडिशन में पूछा जाता है, एडिशन का तो देखो जोड़ के निकाला जा सकता है यूनिट यूनिट। मल्टीप्लीकेशन में क्या था, मल्टीप्लीकेशन में भी यह है कि आखिरी यूनिट डिजिट का आप सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करते रहो कंटिन्यू। बस ये याद रखो काम आपको सिर्फ इकाई अंक से है, उसी का काम चलता रहेगा एंड तक, और आखिरी में आंसर भी होगा इकाई अंक ही। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा जो हमने यहां पर मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड पे किया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से, और आप भी प्रैक्टिस करिए और आंसर मैच करिए मेरे साथ। 0 आ गया ना, 0 पे किसी भी चीज का मल्टीप्लाई कर लो आंसर क्या होता है, 0। तो पहले ही डिसाइड हो गया था इसका आंसर क्या आएगा, 0। मतलब आपको यह मेहनत करने की भी जरूरत नहीं थी कि यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करो, आपको सिर्फ यह देखना था अगर एक भी 0 आ गया इकाई अंक की जगह पर तो आपका आंसर भी क्या होगा, 0। तो जो भी इसमें जो एक केस बनता एक्सेप्शनल केस, वो भी मैंने आपको समझाया, और मुझे उम्मीद है कि ये मल्टीप्लिकेशन वाला फाइंडिंग ऑफ यूनिट डिजिट का पार्ट 1 है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। पार्ट 2 में हम लोग थोड़े स्क्वायर पावर इन सब को लेके आएंगे, पावर मतलब घात पे आधारित जो दिए जाते हैं क्वेश्चंस उनको लेके आएंगे और आपको काफी अच्छे से समझ में आए। तो जैसा भी हम लोगों ने यहाँ पर समझाया है आप तक डिलीवर हो चुका है, घर पे अच्छे से मेहनत करो। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे और जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।